सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये मैं नहा धो कर रेडी हो चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं स्कूल के लिए एकदम रेडी हो चुका हूँ नहा धो के। और अभी बाहर का भी दिखाता हूँ आपको एक बार। बाहर का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, सामने सनसेट भी हो रहा है और ऑरेंज रखा है पूरा। यह नीचे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। अभी थोड़ी देर में ही हमारी वैन भी आने वाली है। आज मैंने ये ड्रेस इसलिए पहनी हुई कि वेनसडे और सैटरडे को ये वाली ड्रेस पहन के जानी होती है, बाकी सारे दिन शर्ट पहन के जानी होती है ब्लू वाली। आज है वेनसडे। तो गाइस, अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ, टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं शाम के अभी और अब लग रही है बहुत तेज भूख। तो खाना भी अब देखते हैं, आ गया हमारा खाना, दिखाता हूँ आज के खाने में क्या है। तो गाइस, हमारा लंच भी आ चुका है। लंच में है खीर और रोटी और ये है आलू की सब्जी। खाते हैं, भूख भी लग रही है। गाइस, दैवे का स्कूटर फाइनली खड़ा हो गया, देखो, वरना हमेशा गिरा ही रहता है। और इसका टायर यहाँ पड़ा हुआ, बिना टायर के खड़ा हुआ है ये स्कूटर। इस पे बैठा हुआ दैवे। अभी सो गया था, सो के उठ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे अपने स्कूल के कुछ सामान लेने के लिए। वो भी आ गया, टीवी देख रहे हैं। पर देखो कितनी सारी कॉफी लिया है स्कूल ले जाने के लिए। अभी शॉप पे से तो आ चुका हूँ मैं। शॉप पे से लेके आया पोर्टफोलियो फाइल, स्केल और कलर लेके आया। अभी यहाँ पे खेल रहा है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है शाही पनीर, पास अपनी मिक्सी और ये देखो कहाँ बैठा हुआ है। इसके बाद जैसे कि हम ले जाएंगे, देखो निकल लिया, गायब। कर रही है एक्सरसाइज, अभी कर रही है एक्सरसाइज, पूरा पसीना पसीना हो चुकी है। टिक भी ऊपर आ चुका है। फोन पे बात करते करते एक्सरसाइज हो रही है। स्टार्ट है, स्टार्ट कर लेते हैं। हो गई स्टार्ट। एक्सरसाइज कर रही है गाइस और वहाँ दीदी अंदर बैठ के फोन चला रही है। क्या देखती है पता नहीं क्यों अपना हाथ अड़ा लेती है, कभी फोन कभी हाथ। अरे अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाती है, पता चल गया अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाती है। अभी इसने अपने मुँह से बोला कि मैं बिना फिल्टर के नहीं दिखाती अपनी शक्ल, वरना लोग व्लॉग छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। सही बात है गाइस, डिनर आ चुका है। डिनर में है पुलाव और ये है पुदीने की चटनी और यहाँ पे है रोटी और इसमें है शाही पनीर और ग्रीन सैलेड। तो अब खाते हैं, भूख भी लग रही है। चलो पोयम सुनाओ गाइस को। लाइट जला दो गाइस। चलो दैविक पोयम सुनाओ। आलू बुटाला बत्तका गल के पैगाम लोगे पे खोले के बैरन दिलाते मला लो लेते मम्मी ने पाल गया ते लेते पापा ने तो किसी नाते लेते बिना ने लड्डू दिया खा लेते। अभी खाना खा लिया और अब हम जा रहे हैं छत पे। हम रोज जाते हैं छत पे घूमने के लिए खाना खाने के बाद, तो अब जा रहे हैं सारे। बस क्या रहे हो तो पीछे बैठ के जा रहे हैं, क्या हुआ? मैं भी जाऊंगा। यहाँ पे है पूरा जिम, यहाँ पे है ट्रेडमिल और ये सारी एक्सरसाइज जो जिम में होती है। ये पैरों की है, ये भी हाथों की है, ये भी आर्म्स की और ये भी हाथों की है। और साइकिल भी है पूरी जिम में। छत पे है बहुत अंधेरा, है कुछ कैसा। देखो दैविक पापा के ऊपर बैठा हुआ है, घूम रहा है, इसको सही मिलता है झूला। और यहाँ पे है हमारा झूला और ऊपर है खाटू श्याम बाबा का फ्लैग और यहाँ बालाजी भगवान का। हाँ है, सामने है मून। Why are you telling me, Mama?
और वहाँ पे स्टार है। हेलो, आप भी अपने बेबी से दोस्त हैं? नीचे उतर गया। अब तो कुछ दिनों से रोज ठंडी ठंडी हवा चल रही है छत पर, इसलिए घूमने में भी अच्छा लगता है। हम रोज आते तो अच्छी अच्छी हवा चल रही है, अब तो पहले तो बहुत गर्मी रहती थी, अब अच्छा हो गया मौसम। गाइस आज देविका आपको खाटू श्याम बाबा का सॉन्ग सुनाएगा, सुनाओ। खटुआई के जय श्याम बाबा की जय, बोलो 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 ओम श्याम बाबा की जय। इसको तो पूरे सॉन्ग की प्लेलिस्ट है, तो सारे गाने आते हैं उसको। आ जाओ कौन सा गाना सुनेगा भाई, तू बता। खटू बाबा बचपन का पाल सुनाओ, बचपन का पाल, बचपन का पाल वाला फूल। अगर गाइस आपको देविका का गाना अच्छा लगता हो तो आप कोई कमेंट में गाना बताना, फिर हम वही गाना इसको याद करवाएंगे, फिर वही आपको अगले व्लॉग में सुनवाएंगे। अब ये एक्सरसाइज भी करके दिखाएगा। चलो देविका एक्सरसाइज करो, पुशअप करो, पुशअप। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं पुशअप्स करो ना पहले, पहले पुशअप्स करो, पुशअप्स पुशअप्स करो, जैसे पापा करते ना पुशअप्स करते, करो करो खड़े हुए करो पुशअप्स, करो शाबाश करो। ओहो जंपिंग जैक, पुशअप्स करो ना ऐसे वाला, ऐसे करके पुशअप्स करते हो। ओहो हो बॉडी की हाइट गाइस, देखो मेरी बॉडी बहुत अच्छी बॉडी है एकदम मस्त। चलो पुशअप्स करके दिखाओ ना, और कर दो। ये कौन सी चीज आई है? अच्छा अच्छा ये डी बन के दिखा रहा है। हाँ और ये बाइक देखो गाइस, जब मैं बहुत छोटा था ये मेरे लिए आई थी बाइक, और अभी भी हमने इसको स्टोर करके रखा है छत पे, चलती नहीं है बस ऐसी रख रखा है। देखो इसका आगे का हैंडल भी गायब है, पीछे की बची है और पूरी गल चुकी है इसकी प्लास्टिक, देखो टच करने में टूट जाती है। बहुत पुरानी है, 5-6 साल पुरानी बाइक है। अभी मुझे पापा के अनुसार पता लगा है कि ये 5-6 साल पुरानी नहीं है, ये 9 साल पुरानी है। जब मैं 2 साल का था तब आई थी ये मेरे लिए, अभी मैं 11 साल का हूँ, इसको 9 साल हो चुके हैं। मैं 11 साल का हूँ और दैविक मेरे से 9 साल छोटा है, दैविक अभी 2 साल का है। 2 साल का तू कौन है? और 4 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है और 5 अक्टूबर को दैविक का बर्थडे आता है, मेरे अगले दिन ही आया। अच्छा मम्मी आई, मम्मी आई है झूला झूलने के लिए, मम्मी झूल रही है झूला, और दैविक को दे रहे सवारी अपने ऊपर बिठा के। आपको लाइट की ब्राइटनेस दिखाई दे रही होगी, वहाँ पे पक्का बिजली सारी हो रही है और डीजे में लाइट जल रही है, देखो ब्राइटनेस देखो आई। वो जा रहा गाइस एक एरोप्लेन, ये लाइट दिख रही होगी आप, देखो क्या बैठो। हाँ बैठे रहो। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि हवा भी चलनी बंद हो गई है और व्लॉग को भी एडिट करना है, तो अब नीचे चलते हैं। और पापा मम्मी यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, मैं चलता हूँ नीचे व्लॉग एडिट करना है इसलिए। तो गाइज देखो वहाँ पे सामने एक उल्लू बैठा हुआ है, अब देखो उड़ गया। गाइस हम अब छत पे से घूम के तो आ चुके हैं जैसा कि आपने देख ही लिया था, तो अब मैं करता हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपसे ऐसे अच्छे से व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय बाय।